सभी आई होप सारे क्षेत्र में नवरात्रे चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है नवरात्रे का आज थर्ड डे है, तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रे, जय माता दी। फर्स्ट नवरात्रे का मैंने ब्लॉग शूट किया था, सेकंड का मैंने नहीं किया और आज थर्ड है। तो सुबह उठी थी मैं 7 बजे, तो मैंने उठ के सबसे पहले नाश्ता बनाया, उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह किया, नाश्ता किया, फिर मैंने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद मैंने पोछा लगाया, नहा धो के दिन का खाना बना बना के अब मैं हो गई बिल्कुल फ्री। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और शाम तक चलता रहेगा मेरा ब्लॉग, आज का ब्लॉग। उससे पहले पार्सल वाले का कॉल आ गया, मैंने पलकू के लिए लहंगा ऑर्डर किया था अपनी जिठानी की लड़की के लिए, तो उससे पहले पार्सल वाले का कॉल आ गया, मैम जी रिसीव कर लो पार्सल। और मैंने कहा कि रिसीव कैसे करूँ, घर में तो कोई भी नहीं, रियांश को किसके पास छोड़ूं, अम्मा और बुआ जी से। हाँ जी आ जाओ अंदर आओ, अम्मा जी से और बुआ जी से तो रियांश का मिलता है नहीं। और जब पार्सल रिसीव करके आई तो देखा तो रिया के अपना बुरा हाल कर रहा था। आ जाओ। फिर उसके बाद पार्सल लेके आ गई, क्लिप रिकॉर्ड कर लिए मैंने, आगे चलती रहेगी क्लिप और अनबॉक्सिंग करूंगी आप लोगों के सामने, देखते हैं क्या जो फोटो में था वही आया है फिर उससे डिफरेंट आया। यहाँ साइज में मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगी, 350 का मिला है लहंगा मुझे पलकू का, तो स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगी आप देख लेना। बाकी इसका फुल रिव्यू भी अगर आप लोग मांगोगे तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, मीशो हॉल शेयर कर दूंगी, क्योंकि मीशो से मैंने एक सूट भी मंगाया ना, तो मुझे उसका फुल ट्यूटोरियल भी देना है आप लोगों को। सो गाइस ब्लॉग में बने रहे, आगे देखते हैं ब्लॉग में क्या क्या होता है। तो आज मैंने अम्मा से बोला कि आज पालक के पकौड़े बनाने, तो आप नीचे से पालक तोड़ के लेना, पालक लगा रखा है, गोभी लगा रखी है, तो अम्मा जाएंगी अभी तोड़ने के लिए, तो उसके बाद तोड़ ताड़ के लेके आएंगी, फिर हम दिखाऊंगी मैं आपको। सो बने रहे ब्लॉग में, आज मैंने बनाया दिन में राजमा चावल, तो अभी मम्मी पापा हॉस्पिटल गए हैं मम्मी का शुगर टेस्ट करवाने के लिए और दवाई लेने के लिए। सो गाइस यहाँ पे मैं खाना खाने जा रही थी, अम्मा और बुआ जी को बुला रही थी कि खाना खाने चलो, और इतने में देखा तो अम्मा नीचे पालक तोड़ने चली गई थी, तो मैं भी फटाफट से नीचे आई रिकॉर्ड करने के लिए। ये हमारी अम्मा और ये हमारे घर के नीचे हमारी पूरी क्यारियाँ स्पेस है, यहाँ पे सब्जी वगैरह बोते हैं और लहसुन वगैरह सब कुछ, मतलब यहीं बोले थी अम्मा मम्मी पापा सभी। तो ये हमारी अम्मा है, देखो पालक तोड़ रही है। तो गाइस जस्ट अभी पार्सल वाले भैया का कॉल आ गया और मैं तो उठ के भी जा रही हूँ पार्सल लेने, वो कह रहे मैं आके आ भी गया, घर में कोई भी नहीं है, दीदी पलकू अंकुश कोई भी नहीं है, तो वो ही जाते हैं मेरा पार्सल लेने, पर आज मुझे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से नखून मार दिया मेरे को। तो यहाँ पे आ गए थे हमारे पार्सल वाले भैया, इन्होंने बोला कि मैं पहुँचने वाला हूँ, 2 मिनट लगेंगे, और मैं जब जाते देखे तो मैं पहुँच नहीं थे, फिर मैंने बोला मैंने कहा आपको बोलते मैं पहुँचने वाला हूँ, कह रहे हैं एक पार्सल और देना था, तो फिर उन्होंने बोला कि हम थोड़ा सा नीचे, फिर नीचे देने गया उनको, तो ये पार्सल मैंने रिसीव कर लिया था। ये आया था पलकू का लहंगा, हर टाइम मेरा पार्सल आता है तो पलकू और उसका भाई अंकु वही लेने जाते हैं मेरा पार्सल ज़्यादातर। उधर क्यों कोने में गिर रहे हो, उधर करो, मतलब मैंने से ऑर्डर किया था ना, आ जाओ बच्चू आ जाओ। सो गाइज आज के पूरे ब्लॉग में स्पेशल ये है कि मुझे पालक के पकौड़े बनाए, वो भी देसी पालक के अपने घर के, तो यहाँ पे पालक को छांट दिया था बुआ जी ने और अम्मा जी ने,
तो उसके बाद मैंने उन्होंने मेरे को दे दिया, तो मैं अंदर आके इसको अच्छी तरह से 3 4 पानी से वॉश किया। मैंने क्लिप रिकॉर्ड एक ही पानी की करी है, तो आप बनाओगे तो ऐसे ही 4 5 पानी से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के वॉश करना है हाथों से। तो वॉश करके मैंने एक साइड रख दिया। फिर अपनी मम्मी का कॉल आ गया हॉस्पिटल से कि मेरा पार्सल आया, स्कूल जाके रिसीव कर ले। और मम्मी ने मंगाया था सूजरैप, बना के दिखाऊंगी। अलमीरा है छोटी सी, तो पार्सल अनबॉक्सिंग करने की सोच रही हूँ, बट अभी मन नहीं कर रहा अनबॉक्स करने बस, क्योंकि कोई वीडियो रिकॉर्ड करने वाला है नहीं मेरे साथ। मेरे रियांश खेल रहा है ऊपर, उसके दादा दादी आ गए, चलते हैं ऊपर रियांश को देखने। काका का है काका, बेटा का है काका, का है काका, वही काका काट लेगा, पकड़ना तो काका खा लेगा, कट्टू कर देगा काका, पार कर लो काका को, पुक्कू कर दो। कैसे कर रहे हो पुक्कू दिखाओ। काचो का खिला दो। क्या करती है बस। सो गाइस, यहाँ पे मैं अम्मा से बातें करने आ गई थी। आगे आप देखना मैं और अम्मा कैसे बात कर रहे हैं और अम्मा क्या क्या बोलेगी, देखना अभी आप आगे। हाँ जी, तो गर्मी हवा चल रही है। हाँ जी, तो गर्मी लग जा रही। सो गाइज, यहाँ पे पालक के पकोड़े बनाने की शुरुआत हो गई। पालक को मैंने पहले काट लिया, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, मतलब अपने मीडियम तरीके से काट लिया है। आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कैसे काटना है। सो यहाँ पे एक बड़े बर्तन में मैंने पालक डाल दिया और इसमें 2 से 3 कटोरी मैंने बेसन ऐड कर दिया। बेसन ऐड करने के बाद मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऐड करा अपना ये रेड चिल्ली पाउडर, और ये बहुत तीखी वाला है इसलिए थोड़ा सा डाल रही हूँ, मैं बहुत कम डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने डाला हल्दी पाउडर, देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला यहाँ पे। उसके बाद मैं डालूंगी धनिया पाउडर, ये हमारा धनिया पाउडर जो हम घर में खुद ही पीसते हैं। देन उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और यहाँ पे मुझे अजवाइन डालना था, अजवाइन का डब्बा ऊपर था तो मैं ऊपर जाके डाल दी। फिर यहाँ पे नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन कूटा, लहसुन को कूट के डाल दिया। उसके दिन पहले मैंने चूल्हे पे पूरी बनाई थी, पर मैंने अम्मा के किचन में बनाई थी, अम्मा का किचन भी साइड में डाल देता, अजवाइन डालने पर रह गया था। तो अजवाइन का डब्बा मैं उस दिन पूरी बनाने के लिए वहाँ ऊपर लेके आई थी, तो ऊपर ही रह गया था, वो नीचे ले जाना मैं भूल गई और कोई भी लेके नहीं गया नीचे। सो इसमें अब मैं अजवाइन डालूंगी क्रश करके। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कोई है नहीं, और मैं सोच रही हूँ कैसे रिकॉर्ड कर। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले मैं बालूंगी आग। आग बालने के लिए मैंने लगा ली यहाँ पे लकड़ियाँ। लकड़ी लगाने के बाद फिर एक वो होता है, उत्तराखंड में भी होता है, यहाँ हिमाचल में भी होता है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। देखो ये मैं गैस पे जला के लेके और सीधा मैंने यहाँ पे चूल्हे पे लगा दिया लकड़ियों के साथ, इससे आग इजीली मतलब जल जाती है। उसके बाद मैंने रख यहाँ पे अजवाइन डाल दिया, अपने अजवाइन डालना भूल गई थी ना, मैं नीचे नहीं था अजवाइन तो ऊपर ही था, तो क्रश करके डाल दिया इसको मैंने अपने पकौड़े में। नमक बिल्कुल परफेक्ट होता है, यहाँ हमारा मसाला पूरा तैयार हो गया। देन कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में तेल रख दिया गरम करने के लिए, रिफाइंड ऑयल। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल मतलब एक एक घूंट पानी डाल रही थी मैं, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको मिक्स करना है अपने हाथ से, हाथ से ज़्यादा अच्छे से मिक्स होता है। मिक्स करने के बाद उसके थोड़ी देर बाद ही पलकू आ गई थी और मेरी टेंशन ख़त्म हो गई थी वीडियो रिकॉर्ड करने की। फिर उसने मेरी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी। पलकू जैसा कि मेरी जिठानी की बेटी है,
वो आ गई थी। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, उसी तरीके से करना है। पकौड़े रियली बहुत टेस्टी बने थे। क्यों बने थे टेस्टी? क्योंकि वो घर के देसी पालक के पकौड़े थे, इसलिए टेस्टी बने थे और चूल्हे पे भी बने थे। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई भी हो गई गरम और आधे पकौड़े हम तल दिए। उसके बाद पलकू आई थी, थोड़े से रह गए थे, तो फिर वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो मैंने पलकू को बोला, मैंने कहा तो बिल्कुल सही टाइम पे आइए, मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर दे। तो उसने बेचारी ने जल्दी जल्दी मेरी वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू करी यहाँ पे। और देखो पकोड़े के कलर देख के आप लोग बता सकते हो कैसे बने होंगे मेरे पकौड़े। तो सब ने सबको अच्छे लगे। बुआ जी नहीं थी, बुआ जी गई हुई थी चाची के घर पर, तो बुआ जी बाद में आई, तो मम्मी ने शायद उनको दे दिए होंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं नीचे चली गई थी खाना बनाने के लिए। खाना किसी ने भी नहीं खाया था, सब ने थोड़ा थोड़ा ही खाया था, क्योंकि पकौड़े से ही थोड़ा सा पेट हैवी हो गया था। शाम के टाइम बनाए थे मैंने, और बारिश का टाइम वैसे ही था, ठंड हो रही है हमारे हिमाचल में, तो पकौड़े नुकसान नहीं करते ठंड में। सो यहाँ पे हमारे बिल्कुल करारे करारे पकौड़े तैयार हो गए, और हमने इसको फिर चाय के साथ एंजॉय किया। मम्मी ने दूसरी साइड गैस पे चाय रख दी थी चाय बनने के लिए, फिर चाय बन गई, यहाँ पे हमने करे अपने पकौड़े एंजॉय। सो यहाँ पकौड़े बन चुके थे, अम्मा पापा मम्मी मैंने सबको दे दी थी। लास्ट में मेरी बारी थी टेस्ट करने की, तो मैं टेस्ट करी थी और इतने सारे बच भी गए थे। तो मैंने इसमें से दो चार ही खाए थे, बनाते बनाते पेट भर जाता, खाता कोई भी नहीं है। और यहाँ पे रियांच की नौटंकी देखो आप। सो गाइज, आपको मेरी आज की रेसिपी भी ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलती हूँ आपसे प्यारे प्यारे ब्लॉग के साथ। मेरे रियांश की नौटंकी देख के आप लोगों का भी दिल खुश हो रहा होगा, जैसे मेरा दिल खुश हो रहा है। यहाँ पे पलकू बोल थी ये भी चाची की तरफ वीडियो बनाने वाला बनेगा। यहाँ पे हमारी मजाक उड़ाई जा रही थी दोनों माँ बेटे की। अरे अम्मा की बात, अम्मा शाम के समय चावल नहीं खाती, दिन में भी अब खाने लग गई थोड़ी सी, जब गर्मी आ गई है मतलब सर्दी थोड़ी खत्म हो गई है तो अब खाने लगी है, वरना वो चावल नहीं खाते सर्दी में, उनको दर्द वर्द रहते हैं, वो खाते ही नहीं है। तो ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, खाना पीना खा के बर्तन तो मार के आ गए हम सोने के लिए। रियांश यहाँ पे सो गया है, तो यहाँ पे हम करते हैं ब्लॉग का एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं प्यारे से नए ब्लॉगों के साथ, तब तक के लिए बाय।